गुरुवार के दिन नवरात्रियां अब अंतिम पड़ाव पर है, जब हम नवमी तिथि के दिन रामनवमी माँ सिद्धदात्री का पूजन करेंगे। शास्त्र विधान कहता है गुरुवार का दिन गुरु ग्रह से भी संबंध रखता है। गुरु ग्रह पारिवारिक सुख संतान सुख प्रदान करने वाला माना जाता है, अगर ज्योतिष दृष्टिकोण से करें। ऐसे में आप सभी को चने की दाल और तुलसी का जरूर से सर्वश्रेष्ठ उपाय करना चाहिए। जीवन में माता रानी के स्वरूप जो है आपके घर परिवार में वास करेंगे, सभी कष्टों का निदान होगा और अति शीघ्र मनोकामना का पूर्ण आपको फल प्राप्त होगा। आप सभी जानते होंगे नवरात्रियों में नवमी तिथि पर हवन इत्यादि किया जाता है। माता रानी के नाम से छोटा सा हवन, एक कटोरा सा आता है जो मिट्टी इत्यादि का, उसमें करने का प्रयास करें, आहुति इत्यादि देकर कन्या जीवन करें। उसके बाद आवश्यक रूप से माँ तुलसी का पूजन करें विशेष रूप से, क्योंकि माँ तुलसी के ही सभी रूपों में माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती इत्यादि का वासा माना जाता है। तो सरल से कार्य करने का प्रयास करें। इस दिन आवश्यक रूप से आप सभी को चने की दाल का उपाय भी करना चाहिए। यह उपाय वैवाहिक बाधाओं को दूर करता है और जीवन में सभी कार्य बनते चले जाते हैं। आवश्यक रूप से पति बच्चों की इससे उन्नति होती है। कुंवारी लड़कियों को घर पर बुलाकर अगर आप नवरात्रि के व्रत नहीं भी कर पाए हैं ना, तब भी आप सभी को जरूर से कुंवारी पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन का विधान शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। कन्या पूजन करते हैं तो जरूर से उन बच्चियों को 11 रुपए या सुहाग की सामग्री या आप सभी को बताशे और साथ में आप सभी को मखाने देने चाहिए। यकीन मानिए आपके जीवन में अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैवाहिक बाधा चल रही है तो उन बच्चियों को पूर्ण रूप से श्रृंगार इत्यादि करें, उन्हें लाल चुन्नी इत्यादि। अगर माता रानी के अभी तक 9 दिनों में आपने माता का श्रृंगार नहीं किया है तो नवमी तिथि के दिन माँ के मंदिर में जाकर जरूर से सरल सा कार्य करें, आपके जीवन में निरंतर उन्नति होगी। गुरुवार का दिन है, आप सभी जरूर से दीपक का उपाय, इससे पहले मैंने बता रखा है केले वृक्ष का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी में भी आप सभी को जरूर से हल्दी मिश्रित जल समर्पित करना है। केले वृक्ष में भी हल्दी मिश्रित जल समर्पित करना है। हल्दी कीटाणुओं का नाश करने में सहायक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप एक तरह से हल्दी जो है दवाई के रूप में डाल रहे हैं किसी पौधे में। अगर ज्योतिष दृष्टिकोण से करूं तो हल्दी जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैवाहिक बाधा दूर करने के लिए हल्दी के रूप में कई प्रयोग किए जाते हैं, आप सभी जानते होंगे। हल्दी आप सभी अगर तुलसी वृक्ष में डालते हैं, केले वृक्ष में डालते हैं, तो एक तरह से आप बुध ग्रह के साथ साथ मजबूत करने के साथ साथ अपने जो औषधि के दान के रूप में भी यह जाना जाता है। तो आप सभी को सबसे पहला कार्य यह करना है। साथ ही गुरु जी कहते हैं केदारेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जो व्यक्ति जो भोलेनाथ का स्वरूप शिवलिंग है उसमें अगर चने की दाल समर्पित करता है तो उसके कष्टों का निवारण स्वयं ही हो जाता है। आप सभी को भोले बाबा के मंदिर में चले जाना है, दीपक इत्यादि प्रज्वलित करें और साथ ही एक घी का दीपक जलाएं गोल बत्ती का, और जल इत्यादि समर्पित करने के बाद केदारेश्वर महादेव का नाम लेते हुए भीगे चने की दाल समर्पित करते हैं, नहीं तो सामान्य चने की दाल भी समर्पित करते हैं तो अति सृष्टि से जाना जाता है। अगर ज्योतिष दृष्टिकोण से करूँ तो केले वृक्ष में भी जरूर से आप सभी को थोड़ा सा हल्दी समर्पित करनी चाहिए और चने की दाल समर्पित करनी चाहिए। इस दिन महादेव के आसपास जो है गुड़ का उपाय करना और गुड़ का भोग लगाना, केले वृक्ष में गुड़ का भोग लगाना, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में केला दान करना, गुड़ दान करना, चने की दाल समर्पित करना, पीले रंग की वस्तुओं का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सरल सरल से कार्य मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं, करिएगा जरूर, बहुत आपको इससे लाभ मिलेगा। गुरुवार का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है माँ तुलसी की सेवा अर्चना के लिए। ऐसे में आप सभी को जरूर से तुलसी माँ की परिक्रमा लगानी चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है, शास्त्रों में यह वृक्ष देवतुल्य कहे गए हैं। तो इन सरल सरल से कार्यों से भी आप जीवन में सभी सुख प्राप्त कर ही लेंगे। आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन जितना संभव हो, माँ सिद्धदात्री का दिन है, आप सभी को माता रानी की सेवा अर्चना, किसी गरीब जन की सेवा करते हैं कन्या पूजन के साथ साथ, तो माता रानी स्वयं ही आपके घर परिवार में वास करने आ जाती हैं। तो सरल सरल से कार्य थे, करिएगा जरूर। उपयोगी रही हो वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। जय माता दी दोस्तों।